जंगल के एक बड़े वट वृक्ष की खोल में बहुत से बगुले रहते थे। उसी वृक्ष की जड़ में एक सांप भी रहता था। वह बगुलों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। सांप, मेरे बच्चों को मत खाओ। इन मासूम बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुझे खाना ही है तो मुझे खा ले। मेरे बच्चों को छोड़ दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तेरे मांस में वो स्वाद कहाँ जो इन बच्चों के मांस में है? और वैसे भी इतने सारे बगुले हैं इस जंगल में, अब और बगुले बढ़ जाएंगे तो रहेंगे कहाँ? मैं तो इस जंगल को साफ कर रहा हूँ तेरे बच्चे खा के। ये बोलकर सांप बच्चे खाता रहा और बगुला बेचारा रोते हुए उनको देखता रहा। बगुला सांप द्वारा बार बार बच्चों के खाए जाने पर बहुत दुखी और विरक्त सा होकर नदी के किनारे आ बैठा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार दुखमग्न देखकर एक केकड़े ने पानी से निकलकर उसे कहा, मामा क्या बात है, आज रो क्यों रहे हो? कुछ उपाय नहीं सोचता किस प्रकार सांप को नष्ट किया जाए, तुम्हें कुछ उपाय बताओ। केकड़े ने मन में सोचा, ये बगुला तो मेरा दुश्मन है, इसे ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के साथ साथ ये भी खत्म हो जाए। यह सोचकर वो बोला, मामा मेरे पास एक उपाय तो है पर मैं आपको बताऊंगा नहीं। अरे केकड़े, मैं तेरा आसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, भगवान के लिए मुझे बता दे इस समस्या से कैसे बचा जाए। ठीक है, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ पर आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप आज के बाद ना मेरे और ना किसी और केकड़े के बच्चे को खाओगे। बगुला सोचने लगा कि एक बार इस सांप से छुटकारा मिल जाए फिर इस केकड़े का वादा कौन मानेगा, फिर तो इसके बच्चों के साथ इसे भी खा लूंगा। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, ठीक है केकड़े, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद चाहे भूख से मर जाऊं पर कभी भी केकड़े नहीं खाऊंगा, अब तो मुझे उपाय बता दो। केकड़ा बगुले की नियत समझ गया। उसे पता चल गया कि बगुले के मन में भी पाप है, तो उसने सांप के साथ बगुले को भी ठिकाने लगाने का उपाय सोच के बोला, मामा एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े नेवले के बिल के सामने डाल दो, इसके बाद बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बखेर दो। नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और फिर सांप को भी देखकर उसे मार डालेगा। वाह केकड़े, तुमने आज मुझे बहुत अच्छी राय दी है, मैं जल्द से जल्द इस तरकीब को पूरा करूँगा। मामा बस एक बात का ध्यान रखना कि मांस ताजा ही लेकर जाना वरना नेवले काका मानेंगे नहीं। हाँ मैं अभी जाता हूँ। बगुला तुरंत ताजे मांस की तलाश में जुट गया। बगुले ने अपने सारे दोस्तों के पास जाकर उनसे ताजा मांस मांगा। सभी दोस्तों ने बगुले की मदद की और उसे मांस ला कर दिया। मांस मिलते ही उसने ठीक वैसा किया जैसा केकड़े ने उसे बताया था। नेवला अपने बिल से बाहर आया, उसने मांस खाना शुरू किया और खाते खाते सांप के बिल तक पहुंचा। नेवले ने सांप को तो खा लिया किंतु सांप के बाद उस वृक्ष पर रहने वाले बगुलों को भी खा डाला। बगुले ने उपाय तो सोचा किंतु उसके अन्य दुष्परिणाम नहीं सोचे। अपनी मूर्खता का फल उसे मिल गया।